चलिए, तो हमने जो है कल क्या क्या पढ़ लिया था आयनिक इक्विलिब्रियम में। हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स पढ़ लिए थे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ लिया था, अल्फा के बारे में भी पढ़ लिया था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है केमिकल रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या एक्वा सोल्यूशन में डालने पर, यानी पानी में डालने पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझे? ठीक है ना। या बुक के डेफिनेशन के हिसाब से अगर उसको क्या कर देंगे, एक्वा सोल्यूशन में यानी पानी में डाल देंगे तो आयंस फॉर्म करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे अगर आपने क्या कर दिया, 100 मॉलिक्यूल NaCl के ले लिए, तो 100 के 100 टूट गए, तो क्या है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, एक आपने CH3COH के 100 मॉलिक्यूल लिए, यानी एसिटिक एसिड, CH3COH के आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल लिए, तो उसमें सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल टूट पाए। समझ में आ गया? ठीक है ना, उसमें सिर्फ 2 ही टूट पाए और कुछ आयंस बना दिए। ठीक, 98 नहीं टूटे, तो वही क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो बहुत ही स्मॉलर एक्सटेंट पे क्या होता है, डिसोसिएट या आयनाइज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या है, एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। समझ में आ गया? सभी तरीके के सॉल्ट्स क्या है, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस और सभी तरीके के सॉल्ट्स क्या हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वीक एसिड्स और वीक बेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, उसके बाद अल्फा क्या है, अल्फा एक तरीके का मेजरमेंट है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालने के बाद। समझ में आ गया? तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। समझा? क्लियर हो गया? चलो, तो यहां तक तो हम लोग ने पढ़ लिया था कल। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा मुद्दा है एसिड्स एंड बेसिस। क्या मुद्दा है, एसिड्स एंड बेसिस, ये हमारा मुद्दा है आज का, एसिड्स एंड बेसिस। तो हमारा जो एसिड्स एंड बेसिस है, इसमें हमको क्या करना है, एसिड्स एंड बेसिस में हमको ये पढ़ना है, या बेसिकली हमको ये समझना है कि एक्चुअली एसिड या बेस बोलते किसको हैं। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमको क्या करना है, एसिड, बेस, सॉल्ट, इन्हीं से डील करना है। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही समझ लें कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमको अभी समझना क्या है आज के लेक्चर में, कि एसिड होते क्या है और बेस होते क्या है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? अब आपको एक मज़े की बात मैं बताऊँ, एसिड या बेस का कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे कोशिश की कि हम क्या करेंगे, एसिड या बेस को डिफाइन करेंगे, लेकिन कोई भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समझ आ गया? जहां साइंटिस्ट को अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो डेफिनेशन बैठता है उस डेफिनेशन को अपना लेता है। समझ आ गया? एसिड या बेस का कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन अपने पास नहीं है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या बताया, वो थ्योरेटिकल बात है, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आपकी बुक में तीन कंसेप्ट दिए हुए हैं, सबसे पहला आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, सेकंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, थर्ड आपका है लुइस का कॉन्सेप्ट। तीन कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा चार कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको, कौन सा है, वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट। समझे? आपकी बुक में दो चार लाइनों में ख़त्म कर दिया है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि कौन सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या एसिड कहलाता है और क्या बेस कहलाता है, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बाकी चीज़ें क्या है उसके अंदर, उसके लिमिटेशंस क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है एसिड्स और बेस, और हम लोग बेसिकली आज पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस। ठीक,
वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस, ये हम लोगों को पढ़ना है। चार तरीके के अलग अलग टाइम पे कॉन्सेप्ट्स आए हैं। आप बोलेंगे इसके आगे नहीं आएगा, इसके आगे भी आए, ठीक है ना, इसके आगे भी कॉन्सेप्ट्स आए, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं, सिर्फ तीन दिए हैं, एक तो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, समझे, क्लियर हो गया, तीन आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो हमको थोड़े से समझ लेने, और भी आए, और भी दो टाइप के, तो और अभी जो रिसेंट चलते हैं यूसेनोविच करके कॉन्सेप्ट है, वो भी चलता है, समझ में आ गया, फिर हार्ड एसिड हार्ड बेस करके कॉन्सेप्ट है, वो भी चलता है, लेकिन वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चार अलग अलग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो है आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब जो आपके तीन थेरीज आई, बड़ी थेरीज आई, आर्हेनियस थेरी, बीएल थेरी, लुइस थेरी, तो ये तीन आपके पास जो थेरीज आई, इनसे पहले जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या बोलेंगे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलेंगे, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट आया उसको कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा चलता कौन सा है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, बेल थीरी कहेंगे हम लोग, या फिर हम लोग कहेंगे बीएल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में आएगा, वो आएगा लुइस कॉन्सेप्ट। ये लेविस नहीं है, क्या है ये, लुइस है, समझे, ये होता है लुइस, ये होता है लुई, लुइस नहीं, क्या ये, लुई, समझे, ये लुई होता है और ये क्या होता है, लुइस होता है, लेविस नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चार अपने को कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो एसिड्स और बेसिस के बारे में क्या कहता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेशनल डेफिनेशंस है, वो मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि जो खट्टा होगा वो क्या है, एसिडिक है, जो कड़वा होगा वो क्या है, बेस, समझ आ गया, ठीक है ना। लेकिन हर जगह पर चलेगा नहीं, जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, उसको आप जैसे ही चखेंगे वैसे ही आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उसको हमेशा चेक करके आप पता नहीं सकते, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो अभी क्लासिकल थ्योरी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन है, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है ना। इसी को रिप्लेस करने के लिए क्या है, फिर थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन, वो आगे आएंगे। पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट कैसे हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशंस का मतलब है एक्सपेरिमेंटली बेस्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल पुराना जो केमिस्ट सोचते थे उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व करेंगे या पानी में डाल देंगे तो उसका सोल्यूशन क्या करेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इट्स अ सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, जिसका एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा, कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। जिसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो उसको अगर पानी में डाल देंगे तो वो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो एसिड्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर क्या कर देंगे, पानी में डाल देंगे तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये कैसे होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं। सार मतलब
खट्टे होते हैं, ठीक है ना, सार इन टेस्ट। इसके बाद जो है एसिड क्या करते हैं, अब लिटमस पेपर टेस्ट आया फिर, तो एसिड क्या करते हैं, एसिड ऐसे लिख दो, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी हो सकती, और प्रॉपर्टी हो सकती है कि दे रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, टू गिव हाइड्रोजन। एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते थे, लिखने का टाइम दूंगा मैं, पहले समझ लो। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते थे जो क्या करते थे, जिंक मैग्नीशियम ऐसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते थे, हाइड्रोजन देते थे, समझे, क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद एसिडिक प्रॉपर्टी इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती थी जब इनको बेस के साथ में रिएक्ट कराते थे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन रिएक्टेड विथ बेस। जब बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, समझा, क्लियर हो गया। तो क्लासिकली या शुरू शुरू में हमको कौन सा सब्सटेंस एसिडिक पता लगते थे, कैसे पता लगते थे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये बेसिक है, तो हम क्या करते थे, वो सब्सटेंस को पहले पानी में डाल देते थे, ठीक है ना। पानी में डालने के बाद अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो हो सकता है वो एसिडिक है। उसके बाद अगर वो सार इन टेस्ट है, मतलब वो खट्टा है अगर, तो भी क्या है, वो एसिडिक है, समझ में आ गया। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तब भी वो एसिडिक है, समझ में आ गया। दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, इनके साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन देते थे, और बेस के साथ में अगर रिएक्ट कराते थे तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को खो देते थे, समझा, क्लियर हो गया। तो क्लासिकली ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता था, एसिडिक कहा जाता था, कि ये जो सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना है ये एसिडिक है, इसका नेचर, समझ आया, क्लियर हो गया। अब अपने को किसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, बेस की। पहले इसको कॉपी करो फिर बेस का बताता हूँ, ठीक। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है ये हम लोग समझ गए। अब हम लोगों को क्या समझना है, बेस क्या होता है, कि बेस के सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो बेस क्या होता है, बेस इट्स अ सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। इसमें सबसे पहला है कि ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों, एसिड हो या बेस हो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पानी में डालने पे क्या करेगा, आयंस देगा, कम देगा लेकिन देगा ना आयंस, आयंस देगा मतलब चार्जेस, और चार्जेस चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट करते थे, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद ये होता है बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा। ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है ये वो क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड करता था, ये क्या करेगा, हाँ, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद ये कैसे होते हैं, ये सोपी होते हैं, इन टच, मतलब बेसिकली क्या होता है, स्लिपरी होते हैं, कैसे होते हैं, दैट इज स्लिपरी, मतलब अगर बेसिस को आप क्या करेंगे, ऐसे टच करेंगे तो कैसा होगा, साबुन कैसा फिसलता है, वैसे स्लिपरी होता है, ठीक है ना, चलो बेसिस। और देयर बेसिक प्रॉपर्टीज disappears when reacted with acid। जब acid के साथ में इसको react करवाते थे तब क्या होता था, इनकी basic properties disappear हो जाती थी, समझा, clear हो गया। ये कौन सा concept है, classical concept, समझे। जो conceptual definition आने से पहले इन बेसिस पे या इस बेसिस पे हम समझते थे कि अच्छा ये सब्सटेंस एसिडिक है और ये सब्सटेंस क्या है, बेसिक है,
समझ आया, क्लियर हो गया। लेकिन ये सब कैसे डेफिनेशंस हैं? ऑपरेशनल मतलब एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस हैं, समझ आ गया। अब अपने को क्या करना है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन लाना है, जिसमें सबसे पहले किसने कंसेप्चुअल डेफिनेशन दिया? आर्हेनियस। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, तो हम लोग ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट देख लिया कि क्लासिकली एसिड या बेसिस क्या होते हैं, ठीक है ना, और हमने देखा कि ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले कंसेप्चुअल डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। मैं वापस से याद दिला दूं, कोई भी हमारे पास परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है एसिड का या बेस का, ठीक है ना, क्लियर हो गया। साइंटिस्ट को जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो डेफिनेशन उठा लेता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, तो जो हमारा सेकेंड डेफिनेशन है या सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस का एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एसिड्स और बेसिस का आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। आर्हेनियस ने सबसे पहले सॉल्वेंट को फिक्स कर लिया। आर्हेनियस बात करेगा वाटर के रिस्पेक्ट में, कोई भी सब्सटेंस लो उसको पानी में ही डालो, समझ आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्हेनियस ने सॉल्वेंट को फिक्स कर रखा, क्या बोला उसने, कोई भी सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा। उस सब्सटेंस को पानी में डालने के बाद अगर वो H प्लस आयन रिलीज करता है तो वो एसिड है, और वही सब्सटेंस को पानी में डालने के बाद अगर वो OH माइनस आयन रिलीज करता है तो वो बेस है। क्या बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन में यही पढ़ा था, उसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं बताते, यहाँ पर मैं आपको लिमिटेशन बताऊँगा इसका, कि ऐसे भी सब्सटेंस आपको मिलेंगे जिसमें H प्लस हाइड्रोजन होता ही नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है लेकिन वो एसिडिक है, और जिनमें OH माइनस नहीं होता है लेकिन वो बेस है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स और बेस क्या है, ये आपको क्या बोलता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें जो है एसिड क्या चीज़ है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ध्यान से सुनो, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जिसके अंदर हाइड्रोजन आता हो और उसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो एच प्लस आयन रिलीज कर देता हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये सही है, मैं क्या बता रहा हूं, आर्हेनियस ने ये बात बताई है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, मैं क्या बोल रहा हूं, आर्हेनियस ने ये बात बताई, समझ आता है, ठीक है ना। तो आर्हेनियस ने क्या बोला कि इट्स अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड इट रिलीजेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहां पर ध्यान रखना है ये वाटर की बात कर रहा है, कि आपको सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, वाटर में ही डाल के देखना पड़ेगा कि वह H प्लस आयन रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने सॉल्वेंट बदल दिया, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा, वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आए और जिनको हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। हम ये बोल रहे हैं सही है, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, आर्हेनियस ने ये बताया, समझ आई बात, ठीक। चलो भाई, तो आर्हेनियस ने ऐसे ऐसे कहा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसमें है आपका HCl, HCl को आपने वाटर में डाला तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा। HCl क्या है, HCl क्या है, कौन सा एसिड, इसका नाम पूछ रहा हूं मैं, क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, बोल तो सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं, लेकिन जब ये गैसियस स्टेट में होगा तब क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड, जब ये लिक्विड स्टेट में है तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ आया, ठीक है ना, दोनों बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास क्या है, देखो
हाँ, तो आपको क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, उसको आपने वाटर में डाला, तो आपको क्या मिला, एच प्लस और सी एल माइन, तो एच प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या है, एसिडिक, समझे। उसके बाद एच एन ओ थ्री, समझ में आ गया, एच एन ओ थ्री क्या होगा, आप वाटर में डालो उसको, तो ये क्या देगा आपको, एच प्लस और एन ओ थ्री माइनस, समझे, ये भी एच प्लस रिलीज कर रहा है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे समझ में आया, मुझे याद है, तुमको कैसे समझ में आ गया, आएगा तुमको भी याद करना पड़ेगा, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, याद करना है, केमिस्ट्री है ये, क्या आप एच सी एल को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, एच प्लस और सी एल माइनस, याद करो, समझ आया, ठीक है ना, चलो इसके बाद और क्या हो सकता है, एच टू एस ओ फोर, इसको भी आप पानी में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, टू एच प्लस और एस ओ फोर टू माइनस, ये भी एच प्लस आयन रिलीज कर रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये बेसिकली तीनों के तीनों क्या है, एसिड है, वो भी कौन से एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, पता कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा, समझ में आ गया, लॉजिक नहीं है क्या, लॉजिक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे पढ़ेंगे, यहाँ पर लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है ना, क्लियर हो गया, चलो भाई, तो ये जो है यहाँ पर आपको समझाता है ये चीज़, इसका एक्चुअल लॉजिक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड आप लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा जीओसी में, ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद वीक एसिड्स के भी एग्जाम्पल होते हैं क्या, वीक एसिड होते हैं, कौन कौन सा है, सी एच थ्री सी ओ एच एसिटिक एसिड, इसको भी पानी में डालो तो ये आपको क्या देगा, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस, समझे, क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड, समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आपको क्या करेगा, H प्लस देगा, लेकिन ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, क्यों वीक एसिड है, क्योंकि बहुत ही कम क्या करेगा, आयंस इसके टूटेंगे, समझ में आ गया, बहुत कम आयंस में टूटेगा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। और भी हो सकता है, एसिटिक एसिड हो गया, उसके बाद और हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये लिखता हूँ, एस टू सी ओ थ्री, कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, तो ये इसको भी पानी में डालो तो आपको देगा 2H प्लस प्लस क्या होगा, CO3 2 माइनस, ठीक है ना। उसके बाद और भी हो सकता है, और क्या है आपका, H3PO3, ये कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आपको क्या देगा, 3H प्लस, क्या देगा, 3H प्लस प्लस PO3 PO3 माइनस, समझे, क्लियर हो गया। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपका, ये भी क्या है, एसिड है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, वीक एसिड्स, कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं, समझ आया, क्लियर हो गया। तो इनको पानी में डालने पर क्या देते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये कम से कम ये तीन और वो तीन तो याद रखेंगे आप, कौन कौन से तीन, तीन स्ट्रॉन्ग एसिड, तीन वीक एसिड्स, समझा, क्लियर हो गया, कॉपी करो, ठीक है। यहाँ एक करेक्शन कर लेना, क्या करेक्शन है, वो एस थ्री पी ओ फोर है, वो फॉस्फोरिक एसिड, और ये थ्री एच प्लस और पी ओ फोर थ्री माइनस, ठीक है, ध्यान रखो उसका। तो ये हो गया आपका, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में होगा या वीक एसिड्स के केस में, वीक एसिड्स के केस में। तो यहाँ पर ये एरो कुछ किताबों में ऐसा भी होता है, कैसे, ये इसको रिप्लेस करके वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये तीनों वीक एसिड्स हैं, तो वीक एसिड्स के केस में क्या बनेगा, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं किताब में देख के, ठीक है, चलो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया, चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने। तो एसिड हम लोगों को समझ में आ गया, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है एसिड, जो बोलो भाई, H प्लस आयन रिलीज करता है कब, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करता है, ठीक है ना, चलो उसके कुछ आपको एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर्हेनियस के हिसाब से बेस को समझने की कोशिश करेंगे कि बेस क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो बेस क्या होता है, द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH, OH ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, एंड इट गिव्स
हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या, OH- आयन व्हेन डिसॉल्व इन एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर उनको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देंगे। समझ आता है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये बेस है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। लिमिटेशन बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। चलो तो अब जो है इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स में आएगा सबसे पहले NaOH। तो NaOH जो है ये क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस बनाएगा, तो उसको पानी में डाल देंगे तो, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल आएगा इसका KOH। KOH में क्या होगा, ये देगा आपको K प्लस और OH माइनस। ये कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कैसे हैं ये, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, जैसे AlOH थ्राइस, ठीक है ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन सकता है, वाटर Al प्लस और 3OH माइनस, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या बन सकता है, और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग बेसिस के लेंगे तो क्या होगा, NH4OH, तो NH4OH का क्या होगा, ये होगा NH4 प्लस, प्लस क्या होगा, OH माइनस। ये क्या है, ये वीक बेस है, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है। और एग्जांपल अगर वीक बेसिस में ऐड करना चाहते हो तो क्या आ सकता है, CaOH ट्वाइस, ये क्या देगा, ये देगा आपको Ca प्लस 2 और 2OH माइनस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये सब के सब क्या है, वीक बेसिस है, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको पानी में डालने पे क्या देते हैं, ये OH माइनस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, आरिनियस क्या बोलता है, एक तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन आना चाहिए, दूसरी बात जब उसको क्या कर देंगे, पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन वो रिलीज करना चाहिए, समझा, क्लियर हो गया। चलो और उसमें बेसिस में क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना चाहिए और पानी में डालेंगे तो OH माइनस रिलीज करना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। चलो तो ये अपने को समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। बुक में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठे कॉन्सेप्ट। अब ये देख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन, एच प्लस और ओ एच माइनस आयन का एग्जिस्टेंस कैसा है वाटर में। H प्लस आयन जो है वो क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब, एच प्लस आयन प्रोटॉन कैसे हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, ठीक है ना, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अगर इसका न्यूक्लियस देखा जाए तो उसमें एक प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। एच प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ये था क्या, ये हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या बचेगा, H प्लस बचेगा। तो ये जब चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में सिर्फ बचेगा कौन, तो इसलिए बोलते हैं H प्लस जो आएगा ना वो क्या है, प्रोटॉन है। समझ आया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे आइसोलेटेड प्रोटॉन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन उठाऊँगा। समझ में आ गया, क्या करूँगा मैं, हाइड्रोजन उठाऊँगा, वो भी उसका कौन सा आइसोटोप, जो पहला आइसोटोप है उसका, समझ में आ गया, कौन सा, प्रोटियम, हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटोप उठाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। समझ आ गया, तो H प्लस क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन होता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो करता क्या है, ये आपको समझाता हूँ मैं, आपकी बुक में तो सिर्फ एक लाइन दिया है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि होता क्या है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने,
किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर दो लोन पेयर्स होते हैं, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने क्या कर दिया, कोई सब्सटेंस लिया जो एसिडिक है, उसको आपने पानी में डाला, तो वो क्या रिलीज करेगा, H+। H+ क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको बेयर आयंस बोलते हैं, कैसे आयंस बोलते हैं, बेयर आयन। ये फौरन किसी से भी क्या करना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है इनकी। तो क्या करते हैं कि आपका जो यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, H2O है, और साथ साथ में आप सब्सटेंस डालने पर क्या आ गया, H+ भी आ गया। अब H+ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब क्या, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये H+ क्या करता है, H+ इनके साथ में आके जुड़ जाता है, और जुड़ करके पता है क्या बनाता है, जुड़ करके ये बनाता है, ये देखो दो H है, एक O है, एक और H जुड़ जाएगा यहाँ पर, एक और H यहाँ पर जुड़ता है, और ये बनाता है H3O+ आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो आरिनियस बोल रहा था ना, वो यहीं पे फेल हो जा रहा था। आरिनियस बोल रहा था कि एसिडिक अगर सब्सटेंस आपके पास है, उसको आप क्या करोगे, पानी में डाल दोगे, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, वो H+ रिलीज करेगा। एसिडिक पानी में डालेंगे तो क्या रिलीज करेगा, H+। तो H+ जो आयन है ना, H+ जो बेसिकली प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। वो H+ के फॉर्म में रहता ही नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। हाँ, हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देते हैं कि वो H+ है, लेकिन एक्चुअली वो कैसा है, एक्चुअली वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर चुका है वाटर के अंदर। समझ आ गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर चुका है, हाइड्रोनियम आयन। ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में वो कंबाइन हो के ऐसे एक बड़ा सा आयन बना सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो याद ये रखना है कि जो आपका H+ होता है, वाटर के अंदर H+ नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। समझे, आपकी बुक में दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड एज बेयर आयन्स। समझ में आ गया, बेयर का लिटरल मीनिंग होता है नेकेड। समझ में आ गया, वो अपने आप को जोड़ करके, अपने आप को जोड़ करके क्या चाहता है कि उसके साथ, किसी के साथ वो कंबाइन हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेयर आयन्स होते हैं, ये बात समझ में आ गई। ये आपकी बुक में एक लाइन दी हुई थी, वो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से जब हम लोग बेस की बात करेंगे, तो बेस में भी क्या होता है, बेस में सिमिलरली OH- आयन्स भी क्या करते हैं, बेस में क्या होगा, OH- आयन होगा, वो भी कंबाइन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और दूसरे आयन्स फॉर्म कर लेते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। OH- आयन ऑल्सो कंबाइंस विथ H2O, वो H2O के साथ में वो भी क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और ज़्यादा उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना NCERT में दिया हुआ है, ना आपकी टेक्स्ट बुक में। समझा, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि जो बेसिकली H+ या OH- आयन होता है, वो क्या H+ और OH- आयन बना रहता है सोल्यूशन में, नहीं, वो क्या करते हैं, वाटर के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर के और दूसरे आयन्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे H+ कंबाइन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो H+ के फॉर्म में नहीं रहता है वो सोल्यूशन में। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है, इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और फिर मैं आपको इसकी यूटिलिटी और लिमिटेशंस बता करके ये दो हम लोग कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के दो कॉन्सेप्ट कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक। चलो कॉपी कर लो। चलिए, तो ये आपको बता दिया मैंने इसका एग्जिस्टेंस। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जब आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे के लेक्चर्स में, तो ये सारी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो अब तीसरी चीज इसमें आएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, एसिड प्लस बेस, ये आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो आर्हेनियस साहब ये कहते थे कि जो आपका एसिड प्लस बेस अगर आप रिएक्ट कराते हैं, तो सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर। बेसिकली वो सॉल्ट की बात करते ही नहीं थे, वो बात करते थे वाटर का फॉर्मेशन ज़रूरी है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन ज़रूरी है, कौन बोलता था ये, आर्हेनियस। समझ आ गया। लेकिन ऐसे भी हमको रिएक्शंस मिल गए
जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करने पर वाटर फॉर्म ही नहीं होता था, समझ आ गया, वो लिमिटेशंस में आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस रिएक्ट करने पर क्या बनना अनिवार्य है, वाटर, समझ में आ गया, वाटर बनना जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये इसका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल आपको एक दे देता हूँ मैं, जैसे NaOH बेस है, HCl एसिड है, क्या बनाएगा ये, NaCl प्लस क्या बनाएगा, H2O, समझे, ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, एसिड है, और ये आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, और ये आपका क्या है, वाटर है, समझे, क्लियर हो गया। ये चीज़ आ गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी ये एक्सप्लेन कर लेता था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसकी यूटिलिटी और लिमिटेशंस बताऊंगा। ठीक है, कॉपी कर लो उसको जल्दी से। ठीक है, इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, किसको ऐसे लिख सकते हैं, Na प्लस प्लस OH माइनस, है ना, Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये आपको क्या देगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और आपको क्या देगा यहाँ पर, H2O। मतलब जो आपके ये सब्सटेंस ने आपको OH माइनस आयन दिया बेस ने, और एसिडिक सब्सटेंस ने क्या कर दिया आपको, H प्लस आयन दिया, तो ये H प्लस आयन वो OH माइनस आयन मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर, समझे। ठीक है ना, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था वो ये था कि बेस का OH माइनस आयन और एसिड का H प्लस आयन मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, अगर वाटर फॉर्म करेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी वाटर का फॉर्म होना ज़रूरी है। वापस से सुनो, बेस का OH माइनस आयन और एसिड का H प्लस आयन दोनों कंबाइन होकर के अगर वाटर फॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। और एक बात याद रखना, आर्हेनियस कहता था कि भाई वाटर जो है वो न्यूट्रल है, वाटर ना एसिडिक है ना बेसिक है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ध्यान रखना इस बात का, समझ आ गया, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, जबकि आगे जाके पता लगेगा वाटर तो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब एसिड के साथ बेस बन जाता है, बेस के साथ एसिड बन जाता है, टेंथ में पढ़ा हो गई, टेंथ में पढ़ाते हैं, वाटर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है वो, समझ आ गया। ठीक है ना, लेकिन आर्हेनियस क्या बोलता था, आर्हेनियस कहता था भाई कि वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है, समझे, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो यहां पर लिख देना कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वाटर इज न्यूट्रल, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है ना, चलो ये भी समझ में आ गया, फिर यूटिलिटी और लिमिटेशंस देखते हैं। आओ, ठीक है, चलो अब यूटिलिटी और लिमिटेशंस। यूटिलिटी मतलब क्या, क्या काम आया, तो बहुत काम आया, न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कर देता था, एक्सप्लेन कर रहा था ये, न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कर देता था, हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन, अभी आगे आएगा हाइड्रोलिसिस के बारे में, हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट को एक्सप्लेन कर देता था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर देता था, समझ में आ गया, इसकी यूटिलिटी है ये। ठीक है ना, तो यूटिलिटी क्या है इसकी, इसकी यूटिलिटी है कि ये बेसिकली क्या क्या एक्सप्लेन करता था, एक्सप्लेन करता था आपको सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट कैन एक्सप्लेन, ऐसा लिख देना, इट कैन एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, उसके बाद और क्या एक्सप्लेन कर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस के स्ट्रेंथ को भी ये बता देता था। ठीक है ना, चलो लिमिटेशंस देखते हैं इसके, लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, ये आप लोग जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस आयन कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं सॉल्यूशन में, इसने क्या बोला था, क्या कैसे होंगे वो, H प्लस ही रहेगा, OH माइनस ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कैसे होते हैं, हाइड्रोनियम आयन या कोई और स्पेशीज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे, दे आर नॉट इन H प्लस और OH माइनस फॉर्म,
बट दे आर इन हाइड्रेटेड फॉर्म. इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म. वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना. उसके बाद और इसकी लिमिटेशंस ये थी कि कुछ सब्सटेंस के एसिडिटी या बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना. तो कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंसेस की एसिडिटी या बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है जैसे NH3, Na2, CO3 और CaO. NH3, Na2, CO3 और CaO. ये देखने में क्या लगता है, चारा यहाँ पे क्या लगता है, एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इसका नेचर बेसिक था. समझ आया? इसने क्या बोला था, हाइड्रोजन आए तो क्या होना चाहिए, एसिड. हाइड्रोजन तो आ रहा है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, बेसिक, ठीक है ना. उसके अलावा CO2, SO2, SO3, इनमें OH ग्रुप आ रहा है क्या? OH ग्रुप नहीं आ रहा, तो ये क्या बेसिक नहीं होना चाहिए, बेसिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक थे. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये नहीं, सॉरी, ये कैसे थे, एसिडिक थे. कैसे थे, एसिडिक, ठीक है, ओके. ये कैसे थे, एसिडिक थे, और उसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा है. एक्चुअली क्या नहीं आ रहा उसमें, हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, एसिडिक है. हाइड्रोजन आना चाहिए एसिडिक के लिए, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी क्या है, वो एसिडिक है, ठीक है, क्लियर हो गया. इसके बाद और एक लिमिटेशन लिखते हैं. Inability to explain acid and base reaction in the absence of water. Inability to explain the acids and base reaction in the absence of water. Example के तौर पर आपके पास NH3 है प्लस HCl है, तो ये मिल करके बना रहे हैं NH4Cl. क्या बना रहे हैं, NH4Cl. ये है आपका एसिड, ये आपका एसिड है, और NH3 क्या है, देखो बेस है. NH3 क्या है, बेस. एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन वाटर नहीं बना. समझ आया, ठीक है. तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. और एग्जांपल है, और एग्जांपल है आपका CaO प्लस है आपका क्या, SO3. तो ये बनाते थे मिलकर के CaSO4, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी एसिड और बेस मिल करके, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, लेकिन मिल करके वो वाटर फॉर्म नहीं कर रहे थे. समझ में आ गया? तो ये इसकी इनेबिलिटी है. समझ आ गई बात, ठीक है ना. तो यहाँ तक दो कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो गए. कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट कवर हो गए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट. समझ आया, क्लियर हो गया. तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी, इसके यूटिलिटी भी बता दिया, लिमिटेशन भी बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दिए इसके, ठीक है. अब हम लोगों को बाकी के दो कॉन्सेप्ट्स करने हैं, वो कौन से हैं, BL कॉन्सेप्ट और लुइस कॉन्सेप्ट. वो कल कराऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है. चलो पैक कर लो.